प्रिंसिपल ऑफ मनी सप्लाई डिटर्मिनेशन स्टूडेंट्स लास्ट मॉड्यूल में हमने मनी सप्लाई मोनिट्री बेस्ड और मनी मल्टीप्लायर की बात की थी आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे सो मनी मल्टीप्लायर को डिस्कस करते हैं द रिलेशनश बिटवीन द मोनिट्री बेस्ड एंड द मनी सप्लाई कैन बी शोन एल जबरी इसके लिए कुछ नोटेशन आप देख लें एम हम नोटेशन यूज़ करेंगे मनी सप्लाई के लिए और मॉनिटी बेस के लिए बेस और डी बैंक डिपॉजिट्स के लिए आर e. बैंक रिज़र्व्स के लिए और सी यू करेंसी हेल्ड बाय नॉन बैंक पब्लिक और स्मॉल लेटर्स में जो आर e. है ये है बैंक्स डिज़ायर्ड रिज़र्व डिपॉजिट रेशो डेट इज़ बैंक डिपॉजिट्स बैंक रिज़र्व्स डिवाइडेड बाई बेंटक डिपॉजिट्स और इसी तरह स्मॉल सी यू जो है यह नोटेशन हम यूज कर रहे हैं पब्लिक डिजाइड करेंसी डिपॉजिट रेशो सो द मनी सप्लाई कंसिस्ट ऑफ करंसी हेल्ड बाई द पब्लिक एंड डिपॉजिट मनी सप्लाई की डेफिनेशन क्या है कि करंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड बैंक डिपॉजिट जो है आपकी मनी सप्लाई बनती है सो द मॉनिट्री बेस्ड इज हेल्ड एज करेंसी बाय द पब्लिक एंड एज रिजर्व बाय द बैंक और मॉनिटरी बेस क्या है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड द रिजर्व हेल्ड बाय द बैंक्स ओके टेकिंग द रेशियो ऑफ दिज टू यानी हम इन दोनों इक्वेशंस की अगर रेशियो ले लें तो एम डिवाइडेड बाय बेस लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर करंसी सी यू प्लस डिपॉजिट्स डिवाइड बाई करेंसी प्लस रिज़र्व्स और अगर हम इस राइट हैंड साइड को डिवाइड कर दें इसके हर हाँ टर्म को डिपॉजिट से डी ई पी से इसी तरह इधर भी हर हाँ टर्म को अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास वन बन जाएगा और बाकी जो इक्वेशन आपके पास आएगी उसको हम इस तरह से यानी एम मनी सप्लाई डिवाइड बाई बेस मॉनेटरी बेस और राइट हैंड साइड पर ये आपके पास आ गया सो करेंसी डिपॉजिट रेशियो जो है ये वाला इसको हम स्मॉल सी यू से डिनोट करेंगे और इट इज़ डिटर्मन बाय द पब्लिक कि जी पब्लिक एक्चुअली इसको डिटर्मन करेगी कि वो अपनी टोटल जो है उसको कितने करेंसी की फॉर्म में और कितनी डिपॉजिट्स की फॉर्म में रखती है और इसी तरह से रिजर्व डिपॉजिट रेशो इज डिटर्मेंड बाई द बैंक सो so, उसी इक्वेशन को हम बेस को दूसरी तरफ ले गए तो इस तरह से मनी सप्लाई इज इक्वल टू दिस दिस टाइम दिस इज़ द मनी मल्टीप्लायर ये मॉनिटरी बेस है और एम इज़ द मनी सप्लाई सो मनी सप्लाई इज डिटर्मेंड बाई द मोनिट्री बेस मल्टीप्लाइड बाई द मनी मल्टीप्लायर सो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो किस तरह से मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एन इंक्रीज इन द रिज़र्व डिपॉजिट रेशो इसके नतीजे में बेस जो है वो तो चेंज नहीं होगी लेकिन मल्टीप्लायर मनी मल्टीप्लायर जिसका ये वाला फार्मूला है ये कम हो जाएगा रिज़र्व डिपॉज़िट रेशो की वजह से ये मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा और उसके नतीजे में ओवरऑल मनी सप्लाई कम हो जाएगी इसी तरह से एन इंक्रीज इन द करेंसी डिपॉज़िट रेशो ये भी आपके मॉनिटरी बेस को तो अफेक्ट नहीं करेगा मनी मल्टीप्लायर को अफेक्ट करेगा और उसके ज़रिए से ये मनी सप्लाई को डिक्रीज़ कर देगा एन ओपन मार्केट परचेज के नतीजे में क्या होगा मॉनिटरी बेस उससे चेंज हो जाएगी मॉनिटरी बेस उसके नतीजे में चेंज हो जाएगी ओके ओपन मार्केट ऑपरेशन हमने लास्ट मेड्यूल में पढ़ा था कि उसके नतीजे में सेंट्रल बैंक क्या करता है कि वो मनी प्रिंट करता है और वो इकॉनोमी से उससे एसेट्स परचेज करता है जिसके नतीजे में इकॉनोमी में करेंसी की मकदार में इजाफ़ा हो जाता है सो so, बेस में इजाफा हो जाएगा तो इस बेस में इजाफे के नतीजे में मनी मल्टीप्लायर तो चेंज नहीं होगा लेकिन बेस में इजाफे के नतीजे में मनी सप्लाई इनक्रीज़ हो जाएगी और इसके अपोज़िट जो होगा एन ओपन मार्केट सेल परचेज में मैंने आपको बताया था कि वह एसेट्स प्रिंट मनी प्रिंट करके एसेट्स को परचेज करता है और इकानोमी में करेंसी की इजाफा हो जाता है उस मकदार में और इसके अपोजिट में अगर उसने करना हो इकॉनॉमी में करेंसी को मनी सप्लाई को कम करना हो तो उसके नतीजे में वो क्या करेगा कि वो एसेट्स को सेल करना शुरू कर देगा तो उससे मॉनिटरी बेस कम हो जाएगी और उससे मनी सप्लाई कम हो जाएगी एन इंक्रीज इन रिजर्व्स रिक्वायरमेंट रिजर्व रिक्वायरमेंट पर हमने बात की थी कि ये भी एक टूल है सेंट्रल बैंक जिसके जरिए से वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है तो इसके नतीजे में मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी और मनी सप्लाई कम हो जाएगी एन इंक्रीज इन डिस्काउंट विंडो बोरिंग बोरिंग में अगर इजाफा हो जाएगा तो उसके नतीजे में मॉनिटरी बेस में इजाफ़ा हो जाएगा और मनी सप्लाई बढ़ जाएगी एन इंक्रीज इन द डिस्काउंट रेट उसके नतीजे में भी मॉनिटरी बेस में कमी वाकई हो जाएगी और मनी सप्लाई कम हो जाएगी और इसी तरह से एन इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट ऑन रिजर्व्स ये मल्टीप्लायर को चेंज करेगा और उसके ज़रिए से मनी सप्लाई को चेंज करेगा सो so, इस तरह से आज हमने देखा कि किस तरह से मनी सप्लाई जो है वो मॉनि डिटर्मन होती है तीन उसमें फैक्टर्स हमने बात की उसमें नंबर यानी मनी सप्लाई डिटर्मन होती है बाई द इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर एंड द मॉनिट्री बेस तो मॉनिटरी पॉलिसी के ज़रिए से मॉनिट्री बेस को चेंज करके या मनी मल्टीप्लायर को चेंज करके मनी सप्लाई को चेंज किया जाता है थैंक यू वेरी